नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। और एक बात और, आप कौन से शहर से रहने वाले हैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक बार की बात है, एक राजा रहता है जो कि अपने जिंदगी में बहुत सारे सुख भोगता है। अब उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी होती है और वह एक दिन सोचता है क्यों ना अपने राज दरबार में एक मुजरा करवाया जाए। और उसने उस मुजरा करने वाली को आमंत्रित किया, साथ में ही अपने विशिष्ट गुरु जी को भी आमंत्रित किया उस मुजरा को देखने के लिए। और साथ ही साथ दूर देश के राजाओं को भी उसने आमंत्रित किया। जब मुजरा शुरू हुआ, उसके पहले ही राजा ने अपने गुरु जी को ढेर सारी मुद्राएं दी थी कि जो भी मुजरा आपको अच्छा लगे उस मुजरे वाली को देते रहिएगा। और धीरे धीरे जैसे ही मुजरा शुरू हुआ, शुरू होने के बाद रात गुजरती गई और जैसे ही सुबह होने वाली थी, उसके कुछ टाइम पहले उस मुजरा करने वाली का जो तबला वादक था, वह उसकी नींद लगने वाली थी, उसकी आंख लगने ही वाली थी। तभी मुजरा करने वाली ने एक दोहा पढ़ा और यही कहा कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाय, कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाय, एक पलक के कारणे कहीं कलंक ना लग जाए, कहीं कलंक ना लग जाए। इस दोहे के बाद सभी जितने भी लोग थे, सभी ने अपने अपने अनुरूप अपने अपने अर्थ निकाला। और तभी गुरु जी ने उनके पास रखी हुई सारी मुद्राएं एक बार में ही उस मुजरा करने वाली को दे दी। और वह तबला वादक फिर से तबला बजाने लगा। थोड़ी देर बाद उस तबले वादक की फिर से आंख लगने ही वाली थी कि उस मुजरा करने वाली ने एक बार फिर से वही दोहा दोहराया। और तब राजा की बेटी ने अपना नौ लखा हार उस मुजरा करने वाली को दे दिया। कुछ देर के बाद उस तबला वादक की फिर से आंख लगने वाली थी। तभी मुजरा करने वाली ने एक बार और दोहा दोहराया और उसके बाद राजा के लड़के ने अपने नौ रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट उस मुजरा करने वाली को दे दिया। कुछ देर बाद फिर से वह थका हारा तबला वादक, आंख लगने ही वाली थी उसकी, फिर से वही दोहा दोहराने ही वाली थी कि राजा ने उसे रोक दिया कि रुको, बस तुमने एक दोहे से एक वेश्या होकर हमारे राज दरबार को लूट लिया है। इतना कहते ही जैसे ही राजा के गुरु जी ने सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आप इसे वेश्या मत कहिए, यह तो मेरी गुरु निकली, इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैंने जिंदगी भर जंगलों में तपस्या की, लेकिन आखिरी समय में मैंने तपस्या छोड़ दी और यहां मुजरा देखने चला आया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई। और उसके बाद राजा की लड़की ने कहा, इसे वेश्या मत कहिए पिताजी, इसने मेरी आंखें खोल दी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे तो मैं आपके आज महावत के साथ भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इसने मुझे इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया कि सारी उम्र निकल गई, अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, तुम्हारे पिताजी शादी जरूर करेंगे, आखिर उन्हें लास्ट में क्यों कलंकित करती हो। और उसके बाद राजा के बेटे ने कहा कि पिताजी, इसे वेश्या कहना उचित नहीं है, आपने जिंदगी गुजार दी और आपने मेरा अभी तक राज तिलक नहीं करवाया, मैं सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करवाने वाला था, लेकिन इसके एक दोहे ने मुझे मेरी आंखें खोल दी। इसने अपने दोहे में यह कहा कि थोड़ा ही समय रह गया है, बहुत समय तो निकल गया है, आखिर अपने पिता का इल्जाम अपने सर क्यों लेते हो मृत्यु का, इसलिए मैंने अपना मुकुट इसे दे दिया। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, जब यहां गुरु जी और सभी देश के राजा भी उपस्थित है, क्यों ना मैं, मेरी उम्र तो गुजर ही गई है, अपने बेटे का राज तिलक करवा दूं। उसने राज तिलक करवाया वहीं और उसके बाद बेटी को कहा कि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। इसके बाद मुजरा करने वाली ने कहा कि यहां बैठे सभी लोगों की आंखें खुल गई, अब मैं भी इस धंधे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करती हूँ और सिर्फ उस प्रभु का गुणगान करूंगी, अंत समय में मैं प्रभु का गुणगान ही करना चाहती हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप अपने जिंदगी में जो भी कर रहे हैं लगातार निरंतर करते रहिए। हो सकता है आप जिस वक्त जिस काम को छोड़ना चाहते हैं उसके कुछ देर बाद ही आपको उसमें सफलता मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में कि कुछ काम को शुरू तो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो उसमें काम करना बंद कर देते हैं या फिर उसे त्यागने का विचार रख लेते हैं। कभी भी कोशिशें बंद मत करिए, यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस कहानी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाय, एक पलक के कारण कहीं कलंक ना लग जाए।
आप जिंदगी में बहुत सारा वक्त अपनी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को दिया है, तो उस लक्ष्य पे आप अपने कायम रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय में आप लक्ष्य को दूर करके कुछ और करने का प्रयास करें और आपका वह लक्ष्य आपके लिए कलंकित हो जाए। बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।